हेलो दोस्तों, प्रसन्न मैं चलू उनके नाम आपको स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अमेजोन के बारे में फुल्ली बात करेंगे। देखिए, काफ़ी सारा वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, काफ़ी सारा यूट्यूब का वीडियो आप देख चुके हैं कि कैसे आप अमेजोन में जो भी ऑफर आता है तो आप एक अकाउंट से कैसे मल्टीपल टाइम में वो ऑफर को अप्लाई करते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं। मगर काफ़ी सारे फ्रेंड को पता नहीं कि एक अकाउंट में कैसे मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक को हम आज कवर करेंगे, वो टॉपिक को भी कवर करेंगे कि कैसे आप एक नंबर पर मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक अकाउंट में बार बार कैशबैक को आपके जो कैशबैक का प्रोमो कोड है वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी कैशबैक वाला अमाउंट आपको मिलता है तो वो उसको कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तीन टॉपिक हम क्लियर करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपको कैशबैक मिलता है तो उस कैशबैक को आप कैसे वॉलेट में ट्रांसफर करा सकते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में आपको बात करूंगा और पूरा डिटेल्स में आपको समझाऊंगा एक वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, मगर आप वीडियो को पूरा देखिए। मुझे उम्मीद है कि पूरा देखेंगे तो आप बिल्कुल अमेजोन के बारे में समझ आ जाएगा। जब भी आप, क्योंकि पता है आपको अमेजोन हर टाइम पे हर मंथ कुछ ना कुछ नया नया ऑफर लेकर आता है अपने यूजर के लिए। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख ले तो बाद में जब भी कोई भी ऑफर आएगा तो आप उस ऑफर का बेनिफिट आराम से ले सकते हैं। तो एक नंबर से बार बार एक अकाउंट क्रिएट करके जब भी कैशबैक आएगा उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। फुल्ली इस वीडियो में ऑफिशियली बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप पास जाए और वो आप वो वीडियो को पहले देख सके। मैं पहले से बोलता हूं इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड लोगों से शेयर करिए, क्योंकि हर किसी को पता लगे और हर कोई इस जो भी ऑफर आता है अमेजन उसका बेनिफिट ले सके और आप भी उस बेनिफिट को ले सके। चलते हैं वीडियो के टॉपिक में। अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे करके बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम एक वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चलते हैं, जब भी आप अमेजन को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको न्यू अमेजन अकाउंट पर क्लिक करना। जब आप न्यू अमेजन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर देना है। मैं इसी नंबर पे पहले से ही एक अकाउंट क्रिएट किया था और फिर से भी दोबारा इसी नंबर पे और एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ। देखिए, मैं पहले भर देता हूँ, अभी मैं नाम और नंबर भर दिया हूँ और फिर पे मोबाइल नंबर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए न्यू टू अमेजन, तो ये क्रिएट अकाउंट विथ डिफरेंट मोबाइल नंबर, क्रिएट अकाउंट विथ दिस मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ पर ध्यान से क्रिएट अकाउंट विथ दिस मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। अगर आप ऊपर वाला क्लिक करेंगे तो आपको फिर से नंबर मांगेगा, तो मैं नीचे करता हूँ और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। तो आपको एक OTP आएगा, तो हम थोड़ा वेट करते हैं OTP आने तक। जब भी वो OTP आ जाएगा तो आपका जो भी नंबर है फिर से वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका न्यू अकाउंट एक क्रिएट हो जाएगा। तो हम OTP को वेट करते हैं। आप ध्यान रखिए, इसी नंबर में पहले से भी अकाउंट क्रिएट किया था और फिर से अभी भी एक अकाउंट क्रिएट किया हूँ। तो देखिए, वो कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करना, OTP आके हमारा नंबर वेरिफिकेशन हो चुका है। तो ये पूरा कंप्लीट वेरिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर अमेजन पे पर जाना है। जब आप अमेजन पे पर जाएंगे तो आपको सबसे नीचे आपको आना है और कुछ ऑफर दिखा दे, गेट 100% कैशबैक अप टू 50 रुपीज़, उस पर कलेक्ट नाउ पे क्लिक करना है और रिडीम पे क्लिक करना है। तो आपको अभी एक नया पेज ओपन हो, आपको मोबाइल रिचार्ज पे जाना है। जब आप मोबाइल रिचार्ज पे जाएंगे ऊपर देखिए 100% बैक अप टू 50 रुपीज़ के ऑप्शन आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर आपको ये ऊपर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप फिर से उसी प्रोसेस के यूज करिए, फिर से कलेक्ट जो भी ऑफर को कलेक्ट करिए। अगर नहीं आ रहा हो तो मैं मोबाइल नंबर डाल के कुछ अमाउंट डाल के ओपन कर चुका हूँ। अभी मैं अभी पेमेंट करूँगा। जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट पेज पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर आप कुछ UPI का ही ले लीजिए, क्योंकि UPI आसान तरीका होता है डेबिट कार्ड से। तो मैं एक UPI लेता हूँ और अपना UPI ID यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ और वेरीफाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। जब भी मैं वेरीफाई नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। तो जब भी हम कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपका आपका नाम, क्योंकि कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मेरा कंप्लीट एड्रेस पिन कोड के साथ सब कुछ यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। आप थोड़ा वेट करिए, मैं पूरा एंटर कर लेता हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको भी समझ आ चुके, आपको आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे कि ये कैसे हो रहा है। तो इसलिए वीडियो था लंबा है, मगर आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि जब भी दोबारा आप कोई भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए जाएंगे तो आपको किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, एक वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं एड्रेस को भर कर चुका हूँ और यूज़ दिस एड्रेस पर क्लिक करता हूँ। तो फिर से आपको और एक बार एड्रेस फिलअप करना है, पूरा आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर पिन कोड के साथ पूरा एड्रेस फिलअप करना है। तो मैं मेरा पूरा एड्रेस यहाँ पर फिर से फिलअप कर लेता हूँ। आपको ध्यान रखना है, एड्रेस आपको पूरा फिलअप करना है और आपका वो ही मोबाइल नंबर देना है जो मोबाइल नंबर पर इस अकाउंट को क्रिएट किए हैं। तो मैं पूरा सारा कुछ भर चुका हूँ एड्रेस और यहाँ पर फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। शायद पिन कोड या मोबाइल नंबर गलत है, मैं मोबाइल नंबर फिर से सही करता हूँ। मैं आपको लाइव करके बता रहा हूँ इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। मोबाइल नंबर से करता हूँ, ऐड एड्रेस पे क्लिक करता हूँ। जब भी ऐड एड्रेस पे क्लिक करूँगा देखिए, और यहाँ पर वो ऑर्डर नाउ पे क्लिक आ चुका है, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जब भी कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा ये
चला जाएगा, जो मैं जो UPI ID डाला हूँ वो UPI ID के पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मैं UPI ID से पेमेंट कर चुका हूँ, मेरा पेमेंट कंप्लीट है। अभी देखिए वेटिंग पेमेंट कन्फर्म फॉर बैंक अकाउंट, तो अभी ये मेरा रिचार्ज भी कंप्लीट हो चुका है। जब भी आपका यहाँ पर 50 rupees कैशबैक का एक ऑप्शन आ चुका है, मगर अभी जब भी आप अमेजन पे भी जाएंगे वहाँ पर 50 rupees दिखाई नहीं दे रहा होगा। जब रिचार्ज करने के आधे घंटे के अंदर आपका वहाँ पर बैलेंस देखिए, यहाँ पर 0 balance है, तो हम आधा घंटा वेट कर लेते हैं। जब आधा घंटा वेट करने के बाद फिर से मैं आपको उसी पेज पर आकर दिखाता हूँ। देखिए आधा घंटा हो चुका है और हमारा अमेजन पे बैलेंस पे 50 rupees आ चुके हैं। अभी हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे हमारे बैंक अकाउंट में। देखिए अगर आपका KYC नहीं है तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मगर एक मेथड है, मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँगा आपको इसी मेथड में पूरा कंप्लीट बताऊँगा। आपको ट्रांसफ़र करना है एक गोल्ड परचेस करके, आपको गोल्ड परचेस करना है और गोल्ड सेल करना है। तो मैं गोल्ड परचेस कर लेता हूँ पहले। जब हम गोल्ड परचेस करेंगे तो यहाँ पर आपको पैन वेरिफिकेशन डालना पड़ेगा। आप या आप सोच रहे हैं तो KYC नहीं करूँगा तो पैन वेरिफिकेशन, देखिए पैन आपका जो नाम पैन फॉर्मेट में कुछ भी नंबर डाल दीजिए, जो भी पैन आप एक आपका पैन कार्ड देख लीजिए, पैन फॉर्मेट में जो भी नंबर है आप कोई उल्टा पुल्टा करके नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, मगर पैन फॉर्मेट में। तो जब भी आप नंबर डाल लेंगे कुछ इधर उधर करके नंबर डाल लेंगे तो वो ले लेगा। तो मैं पैन फॉर्मेट में कुछ नंबर डाल लेता हूँ, तो उसके बाद आपका जो भी नाम था वो नाम यहाँ पर आप भर दीजिए। जी पैन फॉर्मेट का मतलब यही होता है कि फर्स्ट 4 आपका लेटर है, उसके बाद 4 नंबर है, फिर एक लेटर है। तो मैं डेट ऑफ बर्थ भी डाल लेता हूँ, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आपको पैन फॉर्मेट में ही पैन नंबर डालना है, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं और सबमिट पर क्लिक करता हूँ, तो पैन नंबर और नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल के मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेज पर आपको जो पैन वेरिफिकेशन हो जाएगा आप डाल के देख सकते हैं। और सबमिट कर लेता हूँ और आपका यहाँ पर पैन वेरिफिकेशन हो रहा है। देखिए मेरा पैन वेरिफिकेशन हो चुका है, अभी मैं गोल्ड परचेस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो एंटर अमाउंट लिखा है मैं 50 rupees ही डालूँगा, क्योंकि मुझे कैशबैक 50 rupees ही मिला था। तो 50 rupees डाल के टर्म एंड कंडीशन में क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जब भी प्रोसीड पे पर क्लिक करूँगा तो मेरा गोल्ड परचेस हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप फर्स्ट टाइम गोल्ड परचेस करें तो आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा और उसके बाद मोबाइल नंबर फिर से डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका फिर से एक OTP आएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, आप वीडियो का आखिर तक देखिए, क्योंकि ये आपको मैं आपके सामने लाइव करके बता रहा हूँ इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है। तो प्लीज़ सेंड OTP, तो ये जब OTP आएगा तो OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा। OTP आ चुका है, अभी हमारा OTP वेरिफिकेशन भी हम कर लेते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। और अभी हमारा गोल्ड परचेस हो चुका है, अभी हमारा गोल्ड परचेस हो चुका है। तो हम जाएंगे, अभी ये अमेजन पे का ऑप्शन आ चुका है और 50 rupees दिखा रहा है, तो हम थोड़ा नीचे जाके कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अभी हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी गोल्ड है वो परचेस हो जाएगा। अभी हमारा गोल्ड परचेस हो चुका है, अभी हम आप जाके अमेजन पे पर देखेंगे कि वहाँ पर 50 rupees है या बैलेंस कट चुका है। तो हम थोड़ा बैक चलेंगे, अभी ये कंफर्मेशन मैसेज आ चुका है, तो हम बैक चल के अभी देख सकते हैं कि हमारा 50 rupees है या माइनस हो चुका है। तो हम चलते हैं अमेजन पे पे फिर से। जब भी हम अमेजन पे पे फिर से जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अमेजन पे बैलेंस 0 हो चुका है। अभी हम अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, अभी गोल्ड को सेल करेंगे। तो हम चलते हैं फिर गोल्ड सेक्शन पे, जब गोल्ड सेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पर सेल गोल्ड लिखा है, तो हम सेल गोल्ड पे जाएंगे। देखिए यहाँ पर जब सेल गोल्ड पे जाते हैं जब 46.55 rupees है, कुछ GST कटता है, मगर आपको 46 आप सोच रहे 50 rupees, चलो आपको 46 rupees तो मिल रहे, तो यहाँ पर आपको ग्राम डालना है, जितना ग्राम है उतना ग्राम आपको डालना है। मैं उतना ग्राम डाला तो यहाँ पर ग्राम भी शो करें और अमाउंट भी, तो आपको यहाँ पर ग्राम डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब भी आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ध्यान रखिए आपको ग्राम डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आपका UPI ID यहाँ पर डालना पड़ेगा, आपका UPI ID। अगर आपको अभी तक आपका UPI ID पता नहीं तो आप UPI ID पता कर लीजिए और वेरीफाई पे क्लिक करिए। आपका नाम आ चुका है और कन्फर्म सेल, अभी ये जो भी गोल्ड है वो सेल हो जाएगा और आपका जो भी जितना वो 46.55 rupees है वो आपके जो UPI ID आप दिए हैं उसकी उसी अकाउंट पर आ जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था कि कैसे आप अमेजन पे एक नंबर पर एक मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कैशबैक को आप जब भी आप कैशबैक वाला ऑफर को यूज कर सकते हैं और जब भी आप कैशबैक आएगा तब कैसे आप अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कंप्लीट एक वीडियो था, मुझे उम्मीद है कि आपको एक वीडियो में पूरा समझ आ चुका होगा कि कैसे ये सबको करना है। अगर आप एक वीडियो कंप्लीट देख लिए होंगे तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक वीडियो में हम सारे कुछ टॉपिक को कवर किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप जाए और आप वो वीडियो को पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात और कुछ नया जानकारी लेके।